नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की गुहार लगा लगा कर थक गई है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे न मानने की ठान ली है। राजस्थान के जैसलमेर से एक धर्म गुरु के निधन के बाद सुपुर्द खाक करने के दौरान चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। जो तस्वीरें आप आगे देखेंगे उसमें कोरोना नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ती नजर आएंगी। दरअसल अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ जमा हुई, जबकि धर्मगुरु के बेटे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक 20 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी हुई है, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस समय में भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में धार्मिक गुरु मौलाना गाजी फकीर के अंतिम संस्कार के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजी फकीर के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। जैसलमेर और बाड़मेर के साथ साथ आसपास के इलाकों के लोग जमा हुए। कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए गाजी फकीर के अंतिम यात्रा भी निकाली गई। बाद में छबरा गांव की दरगाह में गाजी फकीर के पिता की कब्र के पास ही मुस्लिम समाज के रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान ना तो प्रशासन ने भीड़ जमा होने पर किसी को रोका और ना ही किसी पर कोई एक्शन लिया गया। अंतिम संस्कार में भीड़ भाड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। लोग इसका वीडियो डालकर प्रदेश सरकार से कोरोना नियम कायदे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरह से भीड़ उमड़ी है उसी से अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जैसलमेर बाड़मेर में कहीं कोरोना का महाविस्फोट न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान में सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार की एक ऐसी गाइडलाइन और गाइडलाइन की पालन क्या केवल आम जन और गरीबों के लिए ही है, मंत्री और रसूखदार वालों के लिए नहीं क्या? गाइडलाइन में भेदभाव क्यों है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।